उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जननायक कोरोना के कार्यकाल में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रदेशों के प्रवासियों की सेवा करके दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने वाले जिनके मुस्कान से अपराधियों के हृदय में कंपन पैदा हो जाता है और जिनके बुलडोजर से माफियाओं का साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित अटल बिहारी वाजपेयी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आदरणीय नरेंद्र मोदी के सपनों के वो उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए कृत संकल्पित हम सबके प्रेरणा स्रोत हमारे राजनैतिक नेता हमारे आध्यात्मिक गुरु आदरणीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। मोदी एट द रेट 20 पुस्तक के अभी विमोचन कार्यक्रम में जिनका महत्वपूर्ण उद्बोधन आप सबको सुनने को प्राप्त हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी श्री दयाशंकर मिस्र दयालु जी माननीय विधायक गण डॉक्टर नीलकंठ तिवाड़ी जी श्री सौरभ श्रीवास्तव जी श्री त्रिभुवन राम जी श्री अशोक धवन जी श्री सुनील पटेल जी महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी इस कार्यक्रम के संयोजक विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद श्रीवास्तव जी विधान परिषद सदस्य और प्रभारी श्री लक्ष्मण आचार्य जी महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी जिलाध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी संतोष सिंह पटेल जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित सभी काशी की विभूतिगण अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सभी महानुभाव हमारे सभी मीडिया से जुड़े हुए संपादकगण काशी के सभी विद्वज्जन और उपस्थित भाइयों बहनों हम सब आह्लादित हैं गौरवान्वित हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार भारत के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के जनप्रिय
सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के उस सार्वजनिक कार्यप्रणाली पर आधारित इस पुस्तक को विमोचन करने, जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विभूतियों ने अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। मोदी एट द रेट 20 जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य पद्धति पर आधारित इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में, और जिसे हम कह सकें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही काशी में आज संपन्न हो रहा है, मैं इसके लिए काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी काशी और पूरा उत्तर प्रदेश अभिभूत है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए। पूरा भारत विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ है एक यशस्वी नेतृत्व में, और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर जहां पर विश्व मानवता के लिए कोई नीति निर्धारित हो रही हो, भारत के बगैर वह क्रियान्वित हो ही नहीं सकती है, आज दावे के साथ कहा जा सकता है। ২০১৯ में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था और वो स्वाभाविक रूप से निकला था। वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके थे, और तब लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और वह उन्होंने हर एक स्तर पर करके दिखाया। अभी आपने हाल में एक समाचार सुना होगा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। भारत को यह गौरव तब प्राप्त हो रहा है जब भारत अपनी आजादी की अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बनने का अवसर, आजादी के इन 75 वर्षों को और इस उत्सव के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि इस सभागार में हो या इस प्रदेश में या इस देश में, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कोई सरकारी आयोजन इस उत्साह इस उमंग के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ हो। अनेक आयोजन थे, लेकिन उसमें से एक आयोजन हर घर तिरंगा भी था। हर घर पर तिरंगा लहराया गया था, सरकारी आयोजन हो या सरकारी कार्यक्रम, जन सरोकार उसके साथ कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका एक प्रमाण रहा है, एक उदाहरण है आप सबके सामने। और ऐसे ही भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने, और किसको पछाड़ करके,
उस ब्रिटेन पर जो 75 साल पहले हम पर शासन करता था। हमने ब्रिटेन को पिछाड़ करके पांचवीं अर्थव्यवस्था हासिल की है। भाइयों बहनों, अगर किसी व्यक्ति की योग्यता की कसौटी को जांचना हो तो उसका सबसे अच्छा अवसर होता है संकट के समय उस व्यक्ति की क्षमता और योग्यता को माप लो। संकट के समय उसके निर्णय लेने की कार्य निर्णय लेने की क्षमता, उसके धैर्य की परीक्षा और उसकी कार्यपद्धति उसकी योग्यता की कसौटी के मानक बन सकते हैं। सामान्य दिनों में तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, अनुकूल परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, और वह भी दुनिया ने देखा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना 19 के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान अकेले राजनेता दुनिया के थे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने परिणाम की चिंता के बगैर पहले दिन से, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ, पहले दिन से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पहले दिन से उन्होंने जो मंत्र देने प्रारंभ किए थे उसके अनुरूप पूरे देश को ढालने और उसके अनुरूप कोरोना से लड़ने की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, पूरे देश की लड़ाई कैसे होनी है। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 का आपने देखा होगा, हर घर पर ताली बजाने और थाली पीटने के कार्यक्रम भी देश के अंदर हुए थे। लॉकडाउन के दौरान भी कैसे कार्य करना है ये भी दुनिया ने देखा। जान है तो जहान है, इस मंत्र को भी लोगों ने अंगीकार किया, और जीवन भी और जीविका को भी बचाना है ये भी देखा, और एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ते गए। और जिस कोरोना महामारी से दुनिया पस्त थी और दुनिया इस बात के लिए बड़ी सशंकित थी कि हमारी तो आबादी कम है, भारत का क्या होगा, वही भारत दुनिया के लिए संजीवनी की डोज देने वाला साबित हुआ। अब आश्चर्य करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी से लेते हुए आप बरेली से होते हुए सहारनपुर कमिश्नरी तक जाएंगे, इस पूरे क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष हजारों मौतें होती थी जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में, 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए की मौतें होती थी, हर वर्ष होती थी। और 1977 से लेके ये मौत का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ ये लगातार बढ़ता गया, हर वर्ष 1500-2000 मौतें होती थी। इसकी वैक्सीन ढूंढने का प्रयास जो लोग उस समय सत्ता में थे उनको नहीं था, इसकी कोई वैक्सीन होगी, इसका कोई उपचार होगा। और आश्चर्य तो यह है कि बीमारी 1977 में आई और शासन के कान में यह आवाज तब पहुंची जब 1998 में मैं गोरखपुर का सांसद बना, यानी उससे पहले 15 वर्षों तक किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया था। वैक्सीन आई 2006 में जबकि जापान में इसका वैक्सीन बन चुका था, 1905 में 100 वर्ष के बाद भारत में वैक्सीन आई और कोरोना महामारी
महामारी ने आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें महीने एक नहीं दो दो स्वदेशी वैक्सीन देशवासियों को दिया। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक देश को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और दुनिया के 25 से 30 देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य भारत ने किया। आज कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण है, सबसे कम मृत्यु दर, सबसे अच्छा परिणाम और सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकट के समय योग्यता की कसौटी क्या होनी चाहिए उस पर उतर करके दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। एक एक निर्णय उस दौरान भी जो होते रहे और पूरा देश अब तो साक्षी है, अब नारे नहीं जमीनी धरातल पर कार्य देखे जाते हैं। आपने पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बदलते हुए भारत के रूप में देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए देखा है, एक विश्वसनीय भारत के रूप में देखा है। आज भारत के नेतृत्व पर भारत में हमारे राजनीतिक विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। भारत के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता, उनकी प्रशासनिक क्षमता पर, उनकी कार्यपद्धति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और यही नहीं, एक एक योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाना है, यह भी आपने देखा होगा। योजनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, यह भी आप देख सकते हैं, और उन योजनाओं के दूरगामी परिणाम कैसे सामने आए हैं, यह भी हम सब ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, प्रधानमंत्री जनधन के अकाउंट खोले गए, पूरे देश के अंदर अभियान चला, लोगों ने कहा इसमें पैसा कब आएगा, लेकिन अब जो लोग बोलते थे पैसा कब आएगा और प्रश्न कौन उठा रहे थे, जो लोग 1 रुपये में से 80 पैसा 85 पैसा खा जाते थे, वे लोग प्रश्न उठाते थे कि पैसा कब आएगा। कोरोना काल खंड में अगर ये अकाउंट नहीं होते तो क्या डीबीटी के माध्यम से वो पैसा उन गरीबों तक पहुंच पाता, माताओं तक पहुंच पाता? लेकिन आज शासन की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाने का कार्य डीबीटी के माध्यम से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और कोई भी स्थानीय प्रशासन कर सकता है। हर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है, साथ साथ एक गरीब को स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी एक मंच दिया गया है। जो लोग पहले बैंक में अकाउंट नहीं खोलते थे भय के मारे, या बैंक के लोग नहीं खोलते थे तो स्वाभाविक रूप से उनका पैसा दो जगह जाता था, या तो खर्च कर लेते थे या फिर उस पैसे को वह किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एजेंट के पास जमा करते थे और उसके बाद वह भी गंवा देते थे, उसको कुछ नहीं मिल पाता था। आज तो पैसा जब बैंक में जमा होता है, एक पूंजी इकट्ठी होती है, एक परिवार आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर होता है और ऐसे लाखों परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अग्रसर करते हुए आगे बढ़ाया है। और एक व्यक्ति बिना भेदभाव के, इसमें न किसी की जाति, न किसी का मत, न किसी का मजहब, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा, कुछ भी नहीं देखी गई, सबको दिया गया। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के अंदर एक योजना चलाई थी स्वच्छ भारत मिशन की, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय था कि देश के प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर के सड़कों पर काम कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका। लेकिन आज समझ में आता है हर व्यक्ति की कितना बीमारी का खर्चा बचा है परिवारों का। स्वच्छता का मतलब क्या होता है हर भारतवासी आज समझ चुका है, और यह मिशन मोड में जन से जन भागीदारी के माध्यम से भी हम तमाम प्रकार की बीमारियों का उपचार कर सकते हैं, बीमारियों से निजात दिला सकते हैं, हर घर में शौचालय बन सकते हैं, 10 करोड़ परिवारों को शासन के सहयोग से जिन्होंने आजादी के बाद भी कभी अपने घर में शौचालय नहीं देखा था उन घरों में शौचालय भी बना और नारी गरिमा की रक्षा भी की। कोई सोचता था कि देश के अंदर मकान का सपना साकार होगा? कोई सोचता था इसके बारे में? प्रधानमंत्री आवास योजना, 3 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुके हैं। कोई नहीं कह सकता कि इसमें भेदभाव हुआ हो किसी के साथ में, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, भारत का नागरिक है, पात्रता की श्रेणी में आया हुआ है, उसे आवास की सुविधा प्राप्त हो गई, यही उसकी पात्रता है। वह भारत का नागरिक है, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब क्या है, वो हमारे लिए भारतीय है, और एक भारतीय नागरिक की अगर जरूरत है शासन उसकी आपूर्ति करेगा, शासन उसकी सुविधा का सहयोग करेगा, उसके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा। यह कार्य भी हुआ। उज्ज्वला योजना में 8.5 करोड़ परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, धुआं से निजात मिला। 4.5 करोड़ परिवारों को बिजली के फ्री में कनेक्शन मिले। फ्री में कनेक्शन का मतलब वहां तक बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया गया, बिजली की लाइन पहुंचाई गई, और तब जाकर के फिर यह सुविधा वहां पर प्राप्त हुई। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की योजना हो, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए और अन्य युवाओं के लिए पीएम स्टैंडअप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, महिलाओं के लिए तमाम अन्य योजनाएं, जीवन ज्योति की योजना हो, या फिर मातृवंदना की योजना, या अन्य अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया, क्या श्रमिकों के जीवन का हो, क्या बुजुर्गों के लिए हो, क्या सैनिकों के लिए हो, वन रैंक वन पेंशन की योजना हो, ये सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए, पूरे देश के लिए बनाने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, चाहे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का रहा हो, चाहे वह विरासत को सम्मान देने का कार्यक्रम, विरासत को सम्मान कैसे देना है यह भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। योग हम लोग हजारों वर्षों से करते थे, लेकिन वैश्विक मंच पर इसको मान्यता मिली और दुनिया भारत में 21 जून की तिथि ये यूएन के मंच से घोषित हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्ताव पर घोषित हो, भारत के प्रस्ताव पर घोषित हो, और देखते ही देखते दुनिया के 125 देश योग दिवस पर योग के साथ झूमते हुए दिखाई दें, ट्रेडिशनल मेडिसिन को मंच मिले, आयुष के नाम पर एक मंत्रालय का गठन हो, सहकारिता के नाम पर लोगों के जीवन में व्यापक स्वावलंबन का भाव पैदा किया जा सके, ऐसी सहकारिता के रूप में उसे पुनर्गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का हो,
या फिर शिक्षा केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि यह व्यवहारिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का माध्यम भी बनना चाहिए। यह भी अगर किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, वैश्विक मंच पर भारत की प्रभावी उपस्थिति के रूप में आज हम जाते हैं। दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, प्रवासी भारतीयों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। 2019 में यही काशी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन था और प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अवसर पर दुनिया के तमाम देशों से जो लोग आए थे उन सब से नजदीक से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था। और जब उन लोगों से पूछते थे हम लोग क्या स्थिति है, वो कहते थे कि साहब देखिए पिछले 5 वर्ष में व्यापक परिवर्तन आया है। क्या परिवर्तन आया है? वो कहते थे पहले जब हम लोग अपना पासपोर्ट लेकर के जाते थे वीजा लगाने के लिए दुनिया हमें शक और संदेह की नगाहों से देखती थी, लेकिन आज जब हम जाते हैं और इंडिया की बात आती तो कहते अच्छा मोदी के इंडिया से हैं आप। हर एक प्रवासी भारतीय इस बात को कहता है कि मोदी जी के नाम पर आज हमारी पहचान दुनिया के अंदर बन रही है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं, प्रवासी भारतीयों के लिए भी समय रखते हैं, उनके साथ संवाद बनाते हैं, उन्हें अपने रूट के साथ जोड़ने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, कुंभ को मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करने का रहा हो, या अगर कहीं लगता है किसी को कोई संदेह हो तो भाइयों बहनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीते हुए प्रत्येक की भावनाओं का सम्मान करते हुए भी वे सभी कार्यक्रम हो सकते हैं। काशी का काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, उनके नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन का परिणाम है कि काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1916 में कहा था, जब ये काशी आए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे और उस समय उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किया था और तब उन्होंने कुछ तीखी टिप्पणियां की थी। गांधी जी के नाम पर सत्ता प्राप्त करने वालों ने कभी गांधी जी के उन बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मोदी जी ने एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में, काशी के एक सांसद के रूप में काशी विश्वनाथ धाम प्रस्तुत कर दिया कि मैं अपनी विरासत के प्रति यह है भाव। 500 वर्षों से न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए तरसते गए। एक समय हुआ था जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्य के लिए उस समय के राष्ट्रपति जाते हैं तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। और एक था जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के कार्य का शुभारंभ होना है तो प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचते हैं और अपने कर कमलों से इस कार्य का शुभारंभ करते हैं। यही फर्क है भाइयों बहनों, एक को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं थी और एक विरासत के साथ जुड़ करके पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए संकल्पित था। और यही मोदी जी के व्यक्तित्व को उन सबसे अलग करके रखता है, उन सबसे अलग करके रखता है। आतंकवाद के खिलाफ कैसे लड़ी जानी चाहिए लड़ाई, जो संविधान विरुद्ध है, भारत का विरोधी है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी को कैसे लागू किया जाना चाहिए, कश्मीर में धारा 370 अगर आतंकवाद की जड़ थी तो उसी सदैव के लिए समाप्त करने में भी कोई गुरेज नहीं थी, कोई गुरेज नहीं। जो भारत के हित में होगा उसको अपनाने और जो भारत के विरोध में होगा उसको दुत्कारने में किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं। और यह अपने नेतृत्व क्षमता से प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया। और भाइयों बहनों,
पिछले 20-21 वर्षों का गुजरात का जो विकास का मॉडल है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने करके दिखाया था गुजरात के अंदर, ज्यादातर समय तो उन्हें विपक्ष के साथ जूझते हुए व्यतीत किया, लेकिन उस सब के बावजूद गुजरात के मॉडल की चर्चा होने लग गई थी, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोगों में उत्सुकता थी उस कार्य पद्धति के प्रति जो मोदी जी ने गुजरात के अंदर अब एक मुख्यमंत्री के रूप में अपनाया था और उसे एक मॉडल के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और आज भारत का मॉडल दुनिया के अंदर अपनाया जा रहा है, पूरी दुनिया अभिभूत है भारत के इस यशस्वी नेतृत्व पर। और भाइयों बहनों, यह पुस्तक मोदी @20 ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी व्यक्तित्व और कृतित्व की उसी भाव को व्यक्त करने के लिए जिन महापुरुषों ने समाज के उन व्यवहारिक ज्ञान रखने वाले जिन महानुभावों ने इस पर अपने विचार दिए हैं, इसमें श्री अजय माथुर हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक हैं, उनका लेख इस पुस्तक में है। श्री अजीत डोभाल ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक भी हैं, इनके विचार इसमें हैं। श्री अमीश त्रिपाठी ये एक अद्भुत आधुनिक प्रपेक्ष में भारत के वांग्मय को लिखने वाले लेखक हैं। श्री अमित शाह जी भारत के वर्तमान के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक लंबे समय से उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है, आदरणीय गृह मंत्री जी का भी आलेख इसमें है। श्री अनुपम खेर एक भारत के एक अच्छे अभिनेता हैं। श्री अरविंद पनगड़िया अर्थशास्त्र और जगदीश भगवती भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। श्री अशोक गुलाटी वर्तमान में ICR में कृषि के लिए इंफोसिस चेयर प्रोफेसर हैं। डॉक्टर भरत H. बरई अमेरिका में कैंसर इंस्टीट्यूट मेथोडिस्ट हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर हैं। डॉक्टर देवी सेठी ये नारायणा हेल्थ के संस्थापक अध्यक्ष हैं और प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन हैं। श्री मनोज लडवास लंदन मुख्यालय वाले इंडिया ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इंडिया ग्लोबल बिजनेस और आई ग्लोबल न्यूज के प्रकाशक भी हैं। नंदन नीलेकणी ये इंफोसिस के चेयरमैन और सह संस्थापक हैं। श्री नृपेंद्र मिश्रा जी ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और वर्तमान प्रधानमंत्री जी के पूर्व प्रधान सचिव रहे हैं और वर्तमान में श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। श्री प्रदीप गुप्ता ये भारत के प्रमुख चुनाव विज्ञानी और एक्सेस माई इंडिया के संस्थापक हैं। PV Sindhu ये भारत की प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने ओलंपिक में 2 ओलंपिक पदक सिल्वर और ब्रॉन्ज इन्होंने जीते हैं। सदगुरु ईसा फाउंडेशन के संस्थापक इन्होंने अपना लेख लिखा है। डॉक्टर समीका रवि ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के आर्थिक नीति के उपाध्यक्ष हैं। सुश्री शोभना कामिनेनी ये अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के डायरेक्टर हैं। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। सुरजीत भल्ला ये भारत बांग्लादेश भूटान और श्रीलंका के लिए IMF के कार्यकारी निदेशक हैं। डॉक्टर S. जयशंकर ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं।
और कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में एक वरिष्ठ राजनयिक भी हैं, काम किए हैं। उदय कोटक, ये कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और सीईओ हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ये भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। इन सभी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा है उसको बहुत नजदीक से अनुभव किया है। हर एक फील्ड में, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए इन महानुभाव ने अपने आलेख लिखे हैं और इसमें प्रस्तावना लिखी है भारत रत्न सुश्री लता मंगेशकर जी ने। लता मंगेशकर जी भारत की स्वर कोकिला के रूप में विख्यात रही हैं। उन्होंने अपने प्रस्तावना के माध्यम से भी कितने भावुक विचार प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और उनकी कार्य पद्धति के प्रति व्यक्त किए हैं। अद्भुत पुस्तक है और मुझे लगता है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, वह सांस्कृतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, प्रशासन का हो, एक सामान्य समाज सेवी के लिए हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक नए अनुभव को बटोरने का एक माध्यम मोदी @20 के रूप में हम सबको प्राप्त हुई है। मैं इसके प्रकाशकों को, आलेख देने वाले महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और प्रस्तावना जिन्होंने यहां पर लिखी थी, इसके इंग्लिश वर्जन में लिखी थी, सुश्री लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं है, उन्हें इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सब इस पुस्तक को एक बार जरूर देखेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नए भारत के लिए हमारे स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिन पंच प्रणों की बात की है, वे पंच प्रण में हम सब की सहभागिता किस रूप में हो सकती है, वह हम सब अपने स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके नए भारत के निर्माण में हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर पाएंगे। आप सभी आज के इस अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर से काशीवासियों को इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि पुस्तक हर लाइब्रेरी में जाएगी, हर प्रबुद्ध जन और समाज का हर तबके का व्यक्ति इस पुस्तक को लेकर के इसके माध्यम से उस अनंत प्रेरणाओं को अपने साथ जोड़ेगा जो व्यापक अनुभव पर आधारित है और व्यापक शोध पर आधारित उन सभी कार्य पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।